friends, how are you? I am Dr. Kanchan Gaba, आपकी दोस्त कोलकाता से. मैं तो बहुत मजे में हूँ. आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत मजे में हैं. आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा सा चिंतन करने लायक एक वीडियो लेके आई हूँ. अगर इस वीडियो को आप समझ गए और फॉलो कर लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके 80-90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. ये हम जनरली कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे दोस्त को, मेरे परिवार को भी ये जानने का अधिकार है कि अपने इमोशंस को कैसे वो कंट्रोल करें अपनी बुद्धि को प्रयोग करके. तो लेट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं. कभी कभी ना कहते हैं कि इमोशंस को दबा दो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन इमोशंस को दबा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि इमोशंस बाहर आएंगे. इमोशंस को रेगुलेट करना है. हम जब पत्थर युग में थे तो इंसान के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना लॉजिकल माइंड नहीं था, इतना चेतन मन से हम कहते हैं वो नहीं था. वो मेनली इमोशनल थे और इमोशन के वश होके वो अपनी जिंदगी गुजारते थे. इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं. जैसे एक बड़ा हाथी होता है या एक बड़ा घोड़ा होता है, वो हमारे लिए एक इमोशन है. और जो घोड़े को चलाता है या जो हाथी को चलाता है वो राइडर होता है. अब ये घोड़ा या हाथी हमारे लिए इमोशंस है और हम जो छोटे से हैं, जो राइडर, वो इनको चलाते हैं. अब समस्या क्या होती है कि राइडर सोच लेता है कि मुझे जाना एक्स जगह है. अब हाथी अपने मन से जाना शुरू कर देता है और राइडर के पास हाथी का कंट्रोल नहीं है. तो राइडर कुछ चाहता है और हाथी और किधर जाता है. यही समस्या हमारी जिंदगी में हो रही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइडर को यह ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि वो हाथी को या घोड़े को ठीक से चला सके, तभी ना होगा. आज हमारी साइंस भी ये प्रूफ कर चुकी है कि जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो लिम्बिक ब्रेन है, वो हाथी की तरह इतना बड़ा है. और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे हम उसको जो कॉग्निटिव माइंड कहते हैं, वो इतना छोटा सा है. तो यानी कि हमारा राइडर वो इतना छोटा सा है और हमारे इमोशंस इतने हैं. तो वो जो छोटा सा कॉग्निटिव माइंड है उसको इतने बड़े हाथी को, इतने बड़े लिम्बिक ब्रेन को चलाना पड़ता है. तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि वो जो छोटा सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे हम लॉजिकल माइंड कहते हैं, वो इतने बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल कर सकता है. अगर आप ये समझ गए तो कभी कभी ना क्या होता है कि आपको पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इमोशंस कहता है छोड़ो यार. आपको पता है एग्जाम्स के लिए और 2 महीने पड़े हैं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मन कहता है कल से पढ़ेंगे. तो यानी कि वो हाथी या घोड़ा आपके ऊपर हावी हो जाता है और राइडर फेल हो जाता है, यानी लॉजिक फेल हो जाता है और इमोशंस बड़े हो जाते हैं. यही समस्या आज चल रही है. तो इसको सल्यूशन कैसे किया जाए, इमोशंस को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाए, वो भी बुद्धि का प्रयोग करके, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं. अब आपको तो ये पता ही चल चुका है कि इमोशनल ब्रेन बहुत बड़ी है और जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत छोटी है. तो मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है और ग्लास में 3/4 पानी है. इस पानी को मान लेते हैं एक कॉग्निटिव पावर है हमारी. अब रोज सुबह उठ के आपको ये एक ग्लास पानी का मिलता है. अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पानी को कैसे यूज करेंगे. या तो इसको सिंपली बाथरूम में जाके आप फेंक सकते हैं, इसको पी सकते हैं, इसको गमले में डाल सकते हैं,
इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसी तरीके से हमें सुबह उठ के एक भरपूर कॉग्निटिव पावर मिलती है, जो इमोशन से छोटी तो है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसे हम कॉग्निटिव पावर कहते हैं। तो इस कॉग्निटिव पावर को अगर हम सारे दिन जुडिशियसली यूज कर सके तो हम हाथी या घोड़े रूपी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अब मैंने आपको बताया कि ये आपकी चॉइस है आप पानी को कैसे यूज करेंगे, इसी तरह ये आपकी चॉइस है कि आपको सुबह जो कॉग्निटिव पावर मिल रही है आप उसे कैसे यूज करेंगे। तो आपको तीन काम करने हैं। पहले तो ये कॉग्निटिव पावर को मेंटेन करना है, मतलब सुबह सुबह आप फ्रेश होके आपको जो कॉग्निटिव पावर मिली उसको आपको मेंटेन करना है। दूसरा, आप सारा दिन बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कॉग्निटिव पावर है वो कम होती जाएगी। अब ग्लास में से आपने थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा गमले में डाल लिया, तो पानी कम होता गया ना, तो आपको ग्लास में पानी दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज मेंटेनेंस, सेकेंड स्टेप इज रिफिलिंग, और थर्ड स्टेज कैसा हो कि हमारे पास ये पावर आ जाए कि हम इसको इंक्रीज कर पाए पानी को, कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास एवरी डे ज्यादा पानी हो, यानी कि ज्यादा कॉग्निटिव पावर हो। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रिफिल करेंगे और कैसे इंक्रीज करेंगे। उससे जाने के पहले मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी मेरे दोस्त अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, वो उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म जा रहा है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए फिर दोबारा से वीडियो में लौटते हैं। तो पहले क्या है, हमें पानी को मेंटेन करना है, हमारी कॉग्निटिव पावर को मेंटेन करना है। ये हम तीन स्टेप में कर सकते हैं। पहला जो है डिसीशन पैरालिसिस। हम अपने कॉग्निटिव पावर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं डिसीशन मेकिंग में। आज कौन सी शर्ट पहने, शर्ट के साथ पैंट कौन सी जाएगी, इसके साथ कौन सी घड़ी पहने, कौन सा पेन ले, आज घर में क्या सब्जी बनेगी, आज क्या घर में होगा, शाम को हम आके क्या खाना खाएंगे, ये छोटे छोटे डिसीशन जो होते हैं ना, इसको हम डिसीशन पैरालिसिस बोलते हैं, और ये हमारा बहुत सारा कॉग्निटिव पावर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको कल के लिए जो भी डिसीशन लेने हैं वो आप प्रायर रात को ले लीजिए, रात को ही तय कर लीजिए कि आप कल क्या पहनेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या नाश्ता बनेगा, टिफिन में कौन सा लंच लेके जाएंगे। तो सुबह सुबह आपकी कॉग्निटिव पावर इस कामों में यूज नहीं होगी। इसलिए आप देखिएगा जो बड़े बड़े सीईओ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, वो ऑलमोस्ट सेम शर्ट पहन, वही व्हाइट शर्ट पहन लेते हैं ताकि उनको डिसीशन के ऊपर अपनी कॉग्निटिव पावर को यूज ना करना पड़े, क्योंकि आप यूज करेंगे तो वो कम हो जाएगी। दूसरा है टास्क ऑप्टिमाइजेशन। आप सुबह सोचते हैं आज क्या क्या काम है, कौन कौन से काम पूरे करने हैं, आज बैंक में जाना है कि नहीं, आज ऑफिस में क्या क्या मीटिंग्स है, आज लैपटॉप में क्या क्या करना है, किसको मेल अर्जेंट है। तो जब आप टास्क ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, ये भी आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव पावर को यूज कर लेती है। तो इसलिए नेक्स्ट डे का प्लान आप रात को कर लीजिए कि कल मुझे क्या क्या काम है, क्या क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ जाना है, तो नेक्स्ट डे की आपकी कॉग्निटिव पावर यूज नहीं होगी। और तीसरा जो सबसे ज्यादा कॉग्निटिव पावर को यूज करता है वो है स्क्रॉलिंग। हाँ दोस्त, सुबह उठ के बेड पे ही मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, सारा दिन जब भी टाइम मिला तो मोबाइल सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। स्क्रॉलिंग सबसे ज्यादा आपकी कॉग्निटिव पावर को यूज करती है। तो आपको अगर कॉग्निटिव पावर को मेंटेन रखना है तो ये तीन स्टेप्स, डिसीशन पैरालिसिस, टास्क ऑप्टिमाइजेशन एंड स्क्रॉलिंग,
इनके ऊपर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप, अच्छे कामों में कॉग्निटिव पावर तो यूज होगी, अब रिफिल कैसे करनी है, इसके भी तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको पॉज लेना है, यानी कि ब्रेक लेना है। 60 या 90 मिनट काम करने के बाद 5 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लगातार लैपटॉप में बैठे हैं, आपके बैक पेन आएगा, आपके सर्वाइकल पेन आएगा, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी कॉग्निटिव पावर को भी ये रिफिल करता है। सो टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। नंबर टू, नेचुरल शुगर। जब आप नेचुरल शुगर लेते हैं ना, तो ये आपके कॉग्निटिव पावर को बूस्ट करता है। नेचुरल शुगर कहाँ से आएगा? फ्रूट से। बनाना हमारा मूड एनहेंसर है। विटामिन सी के लिए हमें ऑरेंजेस और ये चाहिए। सो सारे दिन में 2 से 3 फ्रूट अवश्य खाइए, सो दैट आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, जो यूज हो रही है, वो रिफिल हो सके। तीसरा जो स्टेप है, लाइट एक्सरसाइज। जब भी आप थोड़ा सा टायर्ड फील करें, तो एक लाइट एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। तो क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं या लाइट एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके अंदर एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होते हैं, वो ब्रेन में जाते हैं, आपको पेन रिलीफ करते हैं और आपका मूड भी एनहांस करते हैं, आपके कॉग्निटिव पावर को भी रिफिल करते हैं। तो आपने मेंटेन कर लिया, रिफिल भी कर लिया, अब मैंने आपको बोला इंक्रीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इंक्रीज के भी 3 स्टेप हैं। पहला, योद्धा माइंडसेट। आपको एक फाइटर माइंडसेट रखना होगा। कोई भी एक फाइटर डायरेक्ट वॉर या बैटल में नहीं चला जाता, उसको पहले कई हैबिट्स चेंज करनी होती हैं, उसको अपने मन को स्ट्रांग करना होता है। और जब आप मन को स्ट्रांग कर लेंगे, तो फिर आपकी कॉग्निटिव पावर इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा, बायो सप्लीमेंट्स। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सप्लीमेंट्स की कमी हो जाती है, आपको पता नहीं होता, हो सकता है आपके अंदर B12 की कमी है, हो सकता है कोई और चीज की कमी हो, तो वो भी हमारे कॉग्निटिव पावर को बढ़ने नहीं देते। तो एक बार चेक करा लीजिए कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पर्याप्त रूप में आपके अंदर है कि नहीं। और तीसरा जो स्टेप है इसको इंक्रीज करने का, दैट इज गोल्स। और गोल्स आपको कैसे सेट करने हैं? छोटे छोटे, मतलब अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो पहले 7-10 दिन उठिए, थोड़े से आपके स्विम सूट वूट पहनिए, फिर थोड़ा सा बाहर जाइए अगले 7 दिन, फिर स्विम करने चाहिए। तो छोटे छोटे गोल्स जब बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे वो आपको बड़े गोल्स की तरफ लेके जाएगा। हालांकि गोल सेटिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, अब समझ आ गया ना कॉग्निटिव पावर को कैसे मेंटेन, रिफिल और इंक्रीज करना है। तो इनको फॉलो करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।